नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मोहनलांज के डिरवा में मृतक व्यापारी का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मोहनलालगंज मार्ग पूरी तरह से जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। बीते मंगलवार की रात अनंतित ट्रक ने सड़क पर पैदल दुकान जा रहे व्यापारियों को रौंद दिया था और तभी उसकी मौत हो गई थी। साथ ही साथ परिवार वालों ने मुआवजे की मांग की है। पुलिस भी आक्रोशित ग्रामीणों परिजनों को समझाने में पूरी तरह से नाकाम रही। मथुरा के अनाज मंडी में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग मंडी के नीलामी चबूतरे में लगी है, जिसमें किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल अनाज रखा हुआ था। कुछ ही पलों में आग ने भयंकर रूप ले लिया। विकराल लपटों को देखकर मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया। इसके बाद नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सरोवर रंगीन नैनीताल, उसके आसपास बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे दो ग्रामीण मार्ग, बाईपास मार्ग और पस्या मोटर मार्ग बारिश के चलते बंद हो गए। यहां चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। यहां तक कि सामने से कुछ भी आ रहा हो दिखाई नहीं दे रहा। घने कोहरे की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हो गया। अधिकांश लोग अपने घरों में ही दुबके हुए नजर आए। पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में दिनदहाड़े हिंदू युवक कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। वो उदयपुर में हत्या के बाद इस्लामिक जिहादी हत्यारों ने धमकी भरा एक वीडियो भी जारी कर देश की सफलता को चुनौती दी थी, जिसके बाद भारतीय जनता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे नारे लगाते हुए नजर आए। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस्लामी जिहाद और आतंकवाद का शहर के जमनी चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। सपा जिला अध्यक्ष की 9 करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली है। एक डिग्री कॉलेज, 2 जगह जमीन, एक बगीचा समेत 2 4-चक्के के वाहन भी शामिल हैं। इसमें से एक सफारी कार और एक स्कॉर्पियो कार शामिल है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन बंसल के निर्देशन पर इस संपत्तियों को कुर्क किया गया। राजस्थान के उदयपुर में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हिंदू ट्रेलर की हत्या की आंच तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी पहुंच गई है। इस घटना से तमाम हिंदू संगठन भड़क गए हैं। हिंदू संगठनों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम ने मौजूद नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में हिंदू संगठनों ने राजस्थान सरकार पर शिकायत के बावजूद पीड़ित को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सामुदायिक विशेष के अराजक तत्व खुलेआम हत्या कर रहे हैं, जिसे हिंदू संगठन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हिंदू संगठन ने राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। सहारनपुर में एक नशेड़ी को चोर समझकर बेरहमी से पीटने का मामला संज्ञान में आया। वीडियो के वायरल होते ही कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आईएसपी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर जो आरोपी हैं उनको पहचान के लिए लगातार टीमें लगा दी गई हैं। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने एसपी ट्रैफिक और निगम के निर्माण विभागों के अधिकारियों के साथ लेकर मंगलवार की सुबह झुमाला पुल से सागर रत्ना तक अंबाला रोड पर कावड़ रूट का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सावन मास में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाले कांवड़िए बड़ी संख्या में सहारनपुर के अंबाला रोड से होकर गुजरते हैं और 10 स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सिविल लाइन डालने का कार्य चलने के कारण सड़कों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां अभी से की जा रही हैं और ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल अस्पताल में मरीज की जेब से रुपये चोरी हो गए हैं। रुपये चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। करीब घंटा भर अस्पताल में
चोर का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी आरोपी युवक से जद्दोजहद करते रहे। युवक पर आरोप लग रहा है कि 10,000 उसने निकाले हैं। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद पुलिस जहां पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट नजर आ रही है, तो वहीं जनपद शामली के कैराना में भी अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जनपद शामली में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती में अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए और अपराधियों की रोकथाम करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार बौरे ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते श्रावस्ती पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 25,000 के इनामी गैंगस्टर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पुलिस ने पाई है। सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों में 8 वर्षीय गौतम, दूसरे बच्चे की सुखविंदर की उम्र 7 साल बताई जा रही है। दोनों मृतक खिसराहा थाना क्षेत्र के तुरसरिया गांव के निवासी है। दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब दोनों बच्चे खेत में शौच के लिए गए थे। पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश का असर दिखाई देने लगा है। यहां नदियां उफान पर आ गई हैं। सितारगंज क्षेत्र की कैलाश नदी में भी अचानक पानी भर गया। जलस्तर बढ़ने से पहाड़ी करौली गांव में करीब आधा दर्जन घरों में पानी भर गया। सूचना पर प्रशासन की टीम ने परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा। पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के जो गाँव हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर प्रशासन पहुँचाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।